पूर्णिया में 10+2 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 154 अतिथि शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए विभाग ने आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है। बताया गया है कि बीए के साथ साथ बीएड एमएड करने वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन दे सकते हैं। पूर्णिया आरडीडी ने बताया कि मुख्यतः 4 विषयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिन्हें महीना में अधिकतम 25,000 तक पे किया जा सकता है। देखा जाए विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार 22 मई से लेकर के हमें 4 जून तक आवेदन प्राप्त करना है उन लोगों से जो MSc BEd प्लस SC TTE होंगे, उन्हें हम प्रथम प्राथमिकता के रूप में उनका चयन जो भी आरक्षण कोटि रोस्टर के अनुपालन के अनुसार करना है। फिर दूसरे कोटि में हम उनके बाद देखेंगे कि जो MSc BEd हैं। तीसरी में हमें ये देखना है कि जो 65 वर्ष की आयु जिनकी पूरी नहीं हुई है वो भी अगर आवेदन देते हैं तो उन्हें भी हम ले सकते हैं। और चौथे स्तंभ में हम BTech या MTech जो अभ्यर्थी हैं तो उनको हम उसी स्थिति में लेंगे, उनकी एक सूची बनाकर हम विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अगर विभाग हमें उस पर जो अनुमोदन देंगे या जो मार्गदर्शन देंगे उनके अनुरूप फिर हम BTech और MTech का करेंगे। टोटल किन-किन सब्जेक्ट में सर लिया जाए? देखिए चार सब्जेक्ट हैं हम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बॉटनी एंड जूलॉजी और इंग्लिश। ये हम प्लस टू के लिए खास करके उच्चतर माध्यमिक के लिए हम। तो सर इस अतिथि शिक्षक को लेने का जो मुख्य मकसद है वो क्या है सर? मुख्य मकसद तत्काल यह है हमारा कि हमें जो प्लस टू में नामांकित छात्र हैं और विधिवत जब तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो जाती है हो रही है तब तक के लिए हम उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में 25,000 अधिकतम मानदेय के मासिक मानदेय पर रखेंगे, 1,000 रुपये प्रति घंटे के दर से।